पूर्वी दिल्ली गांधीनगर इलाके के कैलाश नगर स्थित महावीर स्वामी पार्क में गांधीनगर विधानसभा के विधायक अनिल वाजपेयी ने बैडमिंटन कोर्ट का किया उद्घाटन। इस मौके पर स्थानीय RWA पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनिल वाजपेयी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय जनता ने महावीर स्वामी पार्क में बैडमिंटन कोर्ट बनाने की मांग की थी, जो आज बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि 3 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं, जिसकी देखभाल RWA के पदाधिकारी करेंगे। विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि 18 लाख रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने हेतु गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला महाराणा प्रताप पार्क में क्रिकेट खेलने जाने के लिए पिच भी तैयार की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्क में बैडमिंटन कोर्ट बनने से स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा, खासकर बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। आइए सुनते हैं इस मामले में गांधीनगर विधानसभा के भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी ने और क्या कहा। हमारे यहाँ 3 कोर्ट ऐसे बने हैं जो 18 लाख रुपए की लागत से 3 बैडमिंटन कोर्ट बने हैं, और जिसके अंदर आप देख रहे हैं हमने इसको गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है, और यहाँ की RWA की और प्रबुद्ध लोगों की मांग थी, तो मैंने उसको आज पूरा करने के लिए कोशिश की है। और इससे अलावा भी स्पोर्ट्स के लिए, जैसा हमारा केंद्र सरकार का संकल्प है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं और भी योजनाएं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करके सबसे भी रिक्वेस्ट करके गांधीनगर विधानसभा में एक अच्छा क्रिकेट का थोड़ा सा महाराणा प्रताप में पार्क में मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैंने माननीय रोहन जेटली जी से भी बात की है, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कि अपनी विधानसभा में क्रिकेट के लिए भी कुछ किया जाए, वॉलीबॉल के लिए कुछ किया जाए। ये जो गांधीनगर पार्क में मैं कुछ नया करने के लिए जा रहा हूँ। ये कोर्ट जो है ये किसके हवाले रहेगा, लोग इससे किस तरीके से यहाँ के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं? नहीं, यहाँ पर RWA जो होगी यहाँ की, और जो हमारे यहाँ के NGO हैं और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं और जो रिस्पेक्टेड लोग हैं हमारे आस पड़ोस, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि ये आपके लिए है, और इसकी सुरक्षा करना और प्रॉपर इसके इस्तेमाल करना ये आप लोगों की। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।